मैं कीचड़ आ गया। ओ तेरी तो बहुत स्लिप मारता है ये कीचड़। उफ ओहो यहाँ से स्लिप कर गई है बाइक। इस हम पहुंच चुके हैं सबसे जो टॉप पे कैंप साइट है। तो गाइस हमने अपना लंच फिनिश कर दिया है। ये पंतवाड़ी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के सामने है भंडारी भोजनालय। तो उसके साथ साथ हमने कैंपिंग का भी काफ़ी खाने पीने का सामान ले लिया है, साथ में चॉकलेट्स रख लिए हैं ट्रैकिंग के वक्त अगर थोड़ी एनर्जी के लिए हमें ज़रूरत पड़े तो। हमने चॉकलेट्स ले ली हैं, मैगी परचेज कर ली है, खाने पीने का सामान मोस्टली ले लिया है हमने। और ये पंतवाड़ी का एरिया है आप जो देख रहे हैं, तो मोस्टली ट्रैकिंग पंतवाड़ी से शुरू हो जाती है। अगर आपको पूरी ट्रैकिंग करनी है 8 किलोमीटर की तो पंतवाड़ी से शुरू होएगी। तो ये रास्ता है ट्रैकिंग का, तो बाइक से भी हम जा सकते हैं, तो बाइक से हम चलेंगे, आधा ट्रैक हमारा बाइक करेगी। तो गाइज व्यू देखिए यार, क्या शानदार नज़ारे यार, पूरा बहुत ही सुंदर लग रहा है ये व्यू। तो पंतवाड़ी से हम थोड़ा बाइक आगे तक लेके जा रहे हैं क्योंकि बाइक आगे तक जा सकती है, तो देखते हैं 3-4 किलोमीटर हम बाइक को आगे ले जा सकते हैं, तो ट्रैक उसके बाद शुरू करेंगे। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आपको वहीं पंतवाड़ी से ही ट्रैक शुरू करना पड़ता है। तो ये व्यू देखिए मेरे पीछे, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। जितने भी बाइकर्स आते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं ऊपर तक, और ये लोग ट्रैक करके आ रहे हैं ऊपर पैदल पैदल जाते हैं। तो आपको यहाँ से जो आपके पीछे रास्ता दिखाई दिया था वहाँ से जाना पड़ेगा। ये बाइकर्स जा रहे हैं वहीं पे ट्रैकिंग के लिए। हमारा मोस्टली 1.5 आवर हमारा काफ़ी सेव हो जाएगा जहाँ तक हम बाइक लेके जा रहे हैं, वहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे तो मतलब ये हाफ रास्ता हो जाएगा हमारा मोस्टली। ये कीचड़ आ गया, ओ तेरी तो बहुत स्लिप मारता है ये कीचड़। उफ ओहो गिर गई बाइक, गिर गई। उठाते हैं, कीचड़ में गिरना ही था, मुझे लग रहा था गिरूं। स्लिपरी है यहाँ पे, यहाँ से स्लिप कर गई है बाइक। उठाऊं कैसे, तेरी तो उठ गई। चलो चोट तो नहीं लगी है लेकिन बाइक देखते हैं, अब स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्ट हो गई है। ये खतरनाक ही है भाई, मैंने पहले ही कहा था यहाँ खतरनाक है। चलो कोई नहीं, द पार्ट ऑफ राइडिंग, गिरना संभलना उठना चलना, दिस इज द पार्ट ऑफ राइडिंग। तो यहाँ लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमने बाइक पार्क करनी है। ये दो बाइक हमारी खड़ी है, गिर गई गिर गई, स्लिप 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 कीचड़ में। तो गाइस हम पहुंच गए हैं जो जहां पे बाइक हमारी पार्क होनी है, ये मेन फर्स्ट हमारा मान लीजिए कि बेस कैंप है हमारा बाइक्स के लिए, तो इससे आगे बाइक नहीं जाएगी, इसके बाद हम ट्रैक करेंगे। काफ़ी नीचे से आए हैं, मतलब 5-6 किलोमीटर हमने बाइक चला के आए हैं, आधा रास्ता हमारा मोस्टली कवर हो गया है। तो ये देखिए सभी जितने भी बाइक्स वाले होते हैं या स्कूटी जो भी लेके आता है वो यहीं पे पार्क करता है। पीछे आपको मैं दिखाऊं, ये कार भी खड़ी हैं पीछे, 4-5 कार खड़ी हैं, तो यहाँ पर आप अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं, 5-6 किलोमीटर है।
और इसके बाद हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है नागटिब्बा की, और ये पीछे हमने बाइक सब पार्क कर दी है। एक लगेज का बैग हमने ले लिया है साथ में, उसमें मैंने गर्म कपड़े थोड़े रख लिए हैं, साथ में थोड़ा हमारा गोप्रो का सामान भी है और कुछ मेरा ब्रश वगैरह, जो भी मेन बेसिक चीज़ें मैंने रख ली हैं। व्यू देखिए, यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखिए चारों तरफ बहुत ही शानदार। भाई टाइम क्या हुआ था? तो 3:30 बजे हमने ट्रैक शुरू किया है, तो 1:30 बजे हम पहुंच गए थे नीचे जहाँ पे लंच किया, और उसके बाद हम ऊपर आए, तो मान लो कि 2 घंटे हमें लग गए यहाँ तक आने में। इतनी देर में तो नीचे से ट्रैक करके पहुँच जाते। अभी हम ये सामने से आए हैं जहाँ हमने बाइक पार्क की, और नीचे जो ट्रैकिंग रास्ता ये नीचे है, पंतवारी को रास्ता ये जा रहा है सामने, और नीचे देखिए ट्रैकर बैठे हुए हैं। तो ये रास्ता है सीधा जहाँ हमने बाइक पार्क करी है, उसका बिल्कुल सीधा चलना है, तो आप इस ट्रैक के साथ मिल जाएंगे जो पंतवारी से आ रहा है। तो ये है ट्रैक, आप देख पा रहे होंगे सेम ट्रैक। तो मेरे पास तो बहुत कम सामान है, इसलिए मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे दोनों भाइयों के पास तो बहुत ज़्यादा सामान है, पूरा कैंपिंग का सामान है, कैंप ले रखा है, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, काफ़ी कुछ सामान ले रखा है इन्होंने। मैं तो भैया भगवान भरोसे जा रहा हूँ, टेंट वाले से कुछ लूँगा सामान, कंबल कुम्बल जो भी चाहिए। तो गाइस ये आप देख पा रहे होंगे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे वो बेस कैंप नज़र आ रहा है। तो वहाँ पहुँचने के लिए भी हमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगने वाले हैं वहाँ वो लास्ट में। और भाई जनमित भाई लास्ट में फुल पैक्ड बहुत मज़ा आ रहा है, व्यू अमेजिंग सर। और व्यू तो आप सोच नहीं सकते, इतने शानदार व्यूज़ हैं इस यहाँ के। और ट्रैक फाड़ू ट्रैक है, फाड़ू कहते हैं ना जिसको, फाड़ू। अगर आप नीचे से आते हैं पंतवार से तो सही बाट लगने वाली है। हमारा तो बहुत आधा सफ़र बच चुका है, हमारा तो आधा ट्रैक हमने कम किया है। ये देखिए ट्रैक यहाँ का पूरे पत्थर ही पत्थर है, लेकिन बारिश के लिए सही है, स्लिपरी नहीं होंगे बारिश में, वरना तो बहुत स्लिपरी है यहाँ की मिट्टी तो। गाइस अभी हमने लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिए, और ये देखिए सामने पंतवारी गांव आपको नज़र आ रहा है, और जहां हमने जाना है जो समिट है नागटिब्बा की, ये देखिए ये सबसे ऊपर चोटी है जहां पे आपको वाइट वाइट बर्फ नज़र आ रही है, यहां पे हमने जाना है। तो टोटल ये 8 किलोमीटर का ट्रैक है। गॉड विलेज का बोर्ड आ गया, 1 किलोमीटर यहाँ से है अप्रॉक्सीमेट, आधा घंटा और लगने वाला है हमारे को। और अभी हल्की हल्की सांस फूली है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इतनी कोई चक्कर है ना, हमने आधा रास्ता तो बाइक से कवर किया है इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे पास सामान भी कम है। आप लोगों की गलत न्यूज़ की वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। चलो चलो, कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। अच्छा कल देहरादून तुम पहुंचे थे? मैं तो सुबह कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मैंने कॉलेज देहरादून ही किया था। ओके वेरी गुड, मैं तो सुबह दिल्ली से चला था। ओह माय गॉड, 5:30 बजे। अमित भाई बोलो कुछ। मस्ती मजा है, मजा। मैं अभी जरा मेरा थोड़ा देर रख ले लो, मैं आगे चलता हूँ। हाँ ठीक है, एक्सचेंज कर लो, कोई नहीं थोड़ी देर में कर लेता हूँ। कर लूँगा थोड़ा सा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, थोड़े मुझे भी तो पता चले कल को मैं लेने की मत बढ़े कि नहीं बढ़े। 4:10 हो गए हमें, 40 मिनट हो गए हमें ट्रैकिंग करते हुए। तो ये सामने गोट विलेज आ रहा है, उसके आगे आप देख पा रहे होंगे वो बेस कैंप है। ये सामने ये ब्लू कलर का शेड दिख रहा है, ये गोट विलेज है, और उसके आगे वो बेस कैंप है। चलते हैं आगे फिर। अमित भाई तो आगे चले गए हैं, जनमीत भाई पीछे हैं, प्यास लग गई है, मैं पानी नहीं लाया। ये गोट विलेज है क्या? अच्छा पास में है। अच्छा 10 मिनट है, अभी आगे है गोट विलेज। ये एक
शॉप है ये मेरे पीछे, कुछ भी खाना पीना यहाँ पे खा पी सकते हैं। तो अभी पानी पियेंगे, प्यास लग रही बहुत तेज़। तो ये आप पीछे देख पा रहे होंगे एक दुकान सी है छोटी सी, तो मैगी पॉइंट है वो, वहाँ पे मैंने अभी नींबू पानी पिया। और अगर आपने मैगी खानी मैगी भी खा सकते हो और कुछ भी सामान ले सकते हो, चिप्स वगैरह जो जो भी आप स्नैक्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो वहाँ से अब हम चल पड़े हैं, और जो गोट विलेज है वो अभी भी कह रहे हैं 10 मिनट का रास्ता हो रहा है। तो गाइस वी आर रीच्ड गोट विलेज, ये बोर्ड लगा हुआ है और पीछे है गोट विलेज। और यहाँ से जो बेस कैंप है वो अभी भी 1.5 किलोमीटर और है, तो मोर देन 1 आवर लगने वाला। और जो मैगी पॉइंट था वहाँ पे हमने नींबू पानी पिया था, और वहाँ से लेकर अभी तक जो ट्रैकिंग है बिल्कुल ही सिंपल हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, मतलब कि चढ़ाई नहीं है बिल्कुल। और उसके बाद ना जो गोट विलेज आ जाता है उससे थोड़ा सा आगे जाके फिर डाउन आ जाती है, अभी हम डाउन पे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए पीछे ये टेंट्स लगे हुए हैं, ये फर्स्ट बेस कैंप आ चुका है। यहाँ पे तकरीबन 20-30 कैंप लगे हुए हैं। जो गोट विलेज है वहाँ से जस्ट 10 मिनट्स की ट्रैकिंग है, लेकिन हम आगे जा रहे हैं सेकंड बेस कैंप पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था पीछे फर्स्ट बेस कैंप है, जो पीछे आप टेंट देख रहे होंगे, और ये सेकंड एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार नागटिबा पैदल मार्ग। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है सेकंड हमारा बेस कैंप। और ऐसा लग रहा है कि आजकल में ये बारिश हुई है, खूब पूरा गीला गीला है वहाँ, तभी तो पानी मिला था पीछे। तो गाइस ये दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों रास्ते वहीं बेस कैंप पे जाते हैं। ये जो दूसरा रास्ता है ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ से हम जाएंगे अभी। भाई साहब वाट लगी पड़ी है थोड़ा, तो 5-10 मिनट तो बहुत बढ़िया पैरलर हो गया था, उसके बाद बिल्कुल स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई है। ये देखो ये खतरनाक चढ़ाई हो गई है, खड़ी चढ़ाई। ओह ये देखो व्यू, चारों तरफ का व्यू, और वो बेस कैंप वो नज़र आ रहा है सामने। यहाँ भी टेंट लगा सकते हैं वैसे तो, अभी आगे चलेंगे। और तो गाइस 5:08 हो चुके हैं, और हम वहाँ से चले थे जहाँ हमने बाइक पार्क करी है 3:30 बजे। तकरीबन सोच लो आप 1 घंटा 40 मिनट की ट्रैक हो चुकी है, और तकरीबन 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर आ चुके हैं, 1 घंटा 40 मिनट कम से कम 4 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है। और अभी भी 1/2 आवर और हमने ट्रैक करना है जो लास्ट कैंप साइट है। अमित भाई या ब्रो बोलो, लविंग इट यार, लविंग इट, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली चल रहा हूँ मैं, लगातार चल ही रहा हूँ। अभी हम सामान देखो भाई, भाई के पास बताओ क्या क्या फुल सामान है, पूरा टेंटिंग का सामान है। टेंट है थ्री वाला टेंट है, फिर उसके ऊपर बिछाने के लिए एक और चीज है, मैट्रेस के ऊपर बिछाने के लिए एक और है। अच्छा, और फिर स्लीपिंग बैग है, और उसके बाद कपड़े हैं, फिर बर्तन है, चूल्हा है, गैस है। वाह वाह वाह, पूरा घर का सामान लेके जा रहे हैं। ड्रोन है, ड्रोन भी है, सब कुछ है भाई, मतलब पूरा इंडिपेंडेंट कैंपिंग ट्रैकिंग कैंपिंग का पूरा प्लान है। तो अब हम तीनों भाई एक साथ चल पड़े हैं, और तकरीबन 10 मिनट का रास्ता हो रह गया हमारा, और 10 मिनट कहते कहते हमें 1/2 घंटा हो गया। तो गाइस पीछे देखिए सनसेट हो चुका है, लेकिन बादलों के पीछे छुप चुका है, ऐसे हुआ नहीं है सनसेट, ये बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे, बादलों के पीछे सन छुप चुका है। और ये ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं अपने कैंप साइट पर, यहाँ भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, और ये सामने वहाँ पे कैंप साइट है। ये ऑलमोस्ट हम नाग टिब्बे की पीक साइट पे पहुँच चुके हैं, हाईएस्ट पीक पे वी डिड इट, हम पहुँच गए। ये पीछे देखिए कैंप, पूरा कैंप साइट, और हमने कर दिखाया, और जो लास्ट कैंप साइट है वहाँ पे आए हम। मोस्टली सभी फर्स्ट कैंप साइट पर पहुँच जाते हैं, लेकिन हम लास्ट कैंप साइट पर आ गए, और यहाँ से
सिर्फ 3 किलोमीटर की है पीक। सुबह हमें दिक्कत नहीं होगी, सुबह हम आराम से उठ के जा सकते हैं फिर। तो भाई से पूछा कोई एक्स्ट्रा कैंप है, कह रहा नहीं जी हमारे पूरे बुकड हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कैंप नहीं है। तो हमारे पास वैसे 2 कैंप तो है लेकिन मेरे पास बिस्तर नहीं है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है भाई से कि एक कोई कंबल कुंबल दे देना भाई, हमारे पास कंबल भी नहीं है कुछ भी नहीं है, वाट लगने वाली है अगर कंबल नहीं मिला तो। नीचे रुक जाता है तो सब कुछ मिल जाता, ऊपर कुछ नहीं है। और टाइम जो हुआ है अभी करेक्ट टाइम वो है 6 बज चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है हम 3:30 बजे चले थे जहाँ हमने बाइक पार्क करी थी, तो मोर ओवर 2.5 घंटे लग गए हमें, और 4 किलोमीटर हमने कवर किया है 2.5 घंटे में, 4 किलोमीटर काफ़ी अच्छी स्पीड है हमारी। मोस्टली सभी फर्स्ट कैंप साइट पर रुक गए थे, उसके बाद भी हमें एक घंटा लग गया था और ऊपर चढ़ने में। तो ये हमारा सामान पीछे पड़ा हुआ और यहाँ पे हम अपना टेंट लगा रहे हैं। देखिए ब्यूटीफुल व्यू, रेडनेस, लालिमा, सनसेट हो चुका है और ये पूरी लालिमा छाई हुई है। और ये देखिए हमारा पहला टेंट लग चुका है, और ये हमारा सेकंड टेंट जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है, और ये हमारा ब्यूटेन गैस स्टोव जल पड़ा है, जल पड़ा है। कोई चीज़ है जिससे इसे मैट से ही लगाना पड़ेगा क्या? और सबसे पहले हम कॉफी बना रहे हैं, है ना? कॉफी बने रही है, कॉफी बनेंगे सर, काफी नहीं इसके चारों तरफ। और ये देखिए हमारा टेंट, अगर इसके चारों तरफ वो नहीं किया ना, टेंट के अंदर बैठे हुए इस टाइम। देखिए चले बात, ये देखिए भाई ये टेंट के अंदर बैठ गए, और चार लेयर हमने पहन लिए, और नीचे 2 लेयर हैं, ऊपर 4 लेयर हैं। अभी एक नीचे की लेयर और पहनूंगा, और डबल जोरा पहनूंगा, और ग्लव्स पहनूंगा, और कंबल मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, कंबल नहीं मिला तो वाट लग जाएगी रात को भाई। पीछे जलाया अपन, ये देखिए हमारा टेंट, और फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहा हूँ मैं, सेल्फ कैंपिंग, और ब्यूटेन का गैस हम जला रहे हैं, और उसमें अभी कॉफी बना रहे हैं हम, अभी आपने देखा होगा ब्यूटेन का गैस कौन सा लाया आपका। तो ये सारा सामान हमारा पीछे पड़ा हुआ है, ये देखिए नीचे ये सारा सामान पड़ा हुआ पीछे। अभी हमने बोन फायर किया, ये देखिए ये बोन फायर हो रहा है, और ये पीछे हमारा टेंट, ये देखिए पीछे टेंट है भाई सारी, और अब खाने का इंतजाम है और पीने का। मैगी है अपने पास, मैगी है, और पता नहीं था इतना हार्डकोर सीन होने वाला, नहीं तो मैं प्याज टमाटर गरम मसाला सब लेके चलता हूँ। अब आज अमित सर के भरोसे आ गया मैं तो प्रदीप सर हम दोनों आए हैं, और अमित सर के अमित के भरोसे आ गए, फिर ऊपर नहीं पहुंच पाते यहां तक। हां एक ही बंदा है मेरे साथ, है ना, देखो इतना सामान लेके आए, ये आराम आराम से चल के आए, अभी हम हैं कैंप में अपने, जो ये हमने टेंट लगाया है उसके अंदर आ गए हैं, और टाइम हुआ है 9:50, तो अब हम जा रहे हैं सोने। सुबह हमने उठना है 4:30 बजे, क्योंकि 5 बजे यहाँ पे जितने भी कैंप वाले हैं वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि सनराइज आई थिंक 6:30 बजे तक सनराइज हो जाता है। और अमित भाई पैक हो गए हैं पूरे, सोने की तैयारी है पूरी, और इस समय ठंड ज़्यादा नहीं लग रही है लेकिन रात को माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। अब भी हम सो रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो भाई आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अंत में दोस्तों राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, गुड नाइट।